अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय डिस्कशन टॉपिक इज प्लानिंग। सो प्लानिंग एक एबिलिटी है जो हम सब में पाई जाती है, लेकिन बेसिकली हमारी जो प्लानिंग है वो डिफरेंट होती है। एक शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होती है और एक लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होती है। जो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होती है वो ये होती है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कल किसी मीटिंग पर जाना है, आपने 10 बजे जाना है, तो उसके लिए आप ये प्लान करती है कि मैंने इतने बजे उठना है, ये करना है, उसके बाद फिर मैंने कितने बजे अराइविंग के लिए निकलना है, कितने बजे वहाँ पर पहुँचना है। तो ये आपकी शॉर्ट टर्म गोल की जो प्लानिंग थी ये वो थी। फिर लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे होते हैं कि जो आपकी लाइफ का पर्पज़ होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैंने एयरफोर्स में जाना है, तो मैं प्लान करती हूँ कि मुझे एयरफोर्स जाने के लिए सबसे पहले कैडेट कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, तो वहाँ पर मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूँगी। तो मैं उसके लिए 2 साल पहले से मैं मेहनत करना स्टार्ट कर दूँगी। तो इस तरह ये जो स्टेप्स बनाऊँगी मैं, ये मेरे लाइफ के पर्पज़ लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग होगी। प्लानिंग को हमने अपने लाइफ में एज अ टेस्ट यूज़ करना है कि हमारे हर एक्शन में हमारी प्लानिंग को प्लानिंग वाजिया होनी चाहिए कि हमने प्लानिंग की हुई है इसके लिए। हमारे जो हर एक्शन है, हर जो हमारे जो डीड्स हैं उनको अगर हमने एक्शन में चेंज करना है तो उसके लिए हमारे लिए प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि अगर आपने छत पर जाना है, तो छत आपकी लाइफ है, तो उसके लिए आपको स्टेयर्स की ज़रूरत है, और वो स्टेयर्स क्या होंगी आपकी प्लानिंग। अब आप छलांगे मार के तो छत पे जा नहीं सकते, तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप छत पे जाना होगा। तो वो ये जो आप स्टेप्स बनाएंगे, जो स्टेयर्स होंगी वो आपकी प्लानिंग होगी, और वो आपके गोल तक पहुंचने के लिए आपको टिप्स देंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि इनको यूज़ करते हुए आप अपने पर्पज़ तक पहुँच सकते हैं। आइंस्टाइन से एक शख्स ने सवाल किया कि अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है, अगर उस 1 घंटे में एक बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड में अगर ब्लास्ट हो तो आप क्या करेंगे। तो आइंस्टाइन ने कहा कि मैं 59 मिनट प्लानिंग करूँगा और जो लास्ट 1 मिनट रह जाएगा उसमें मैं एक्शन लूँगा। तो मतलब कि 99% मैं प्लानिंग को दूँगा और ओनली 1% मैं एग्जीक्यूशन को दूँगा। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लोग जो हैं वो एग्जीक्यूशन की तरफ भागते हैं, प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस तरह ये होता है कि हमारी जो प्लानिंग है वो हमें बहुत हेल्प करती है, लेकिन हम सीधा एग्जीक्यूशन की तरफ भागते हैं कि हम स्टेयर्स चढ़ने के बजाय हम छलांगे मारते कि हम ऊपर पहुँच जाएँ। तो विदाउट प्लानिंग हम कभी भी अपना कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे जितने भी हिस्ट्री में जितनी भी पर्सनैलिटीज़ थी, और जो हमारे एरिया की जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, कायद आज़म, इलामा इकबाल, इन सब ने प्लान लाइफ गुजारी है। इनका आने वाला हर सेकंड प्लान होता था। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि हमें अपना हर मोटो, हर टारगेट, हर पर्पस, अपनी लाइफ का एक एक सेकंड हमें जो है वो प्लान गुजारना चाहिए और प्लान करना चाहिए। इसे हम अपने हर दिन को हमें प्लान बनाना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमने अपना एक दिन जो है वेस्ट कर दिया है, तो शाम को हमें बैठ के ये सोचना है, बल्कि रात को बैठ के ये सोचना है कि नेक्स्ट डे मुझे इतने बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इस तरह हमारा वो डे जो है वो प्लान हो जाएगा। प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डेज को वीक्स में, वीक्स को मंथ्स में, मंथ्स को ईयर्स में बदल देती है, हमें टाइम देती है, और हमें एग्जीक्यूशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी पड़ती। लाइफ के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ समटाइम्स करना पड़ जाता है, लेकिन जो बंदा प्लान्ड हो उसको कभी भी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता। जैसे अब आपको मैं एक ये कोई तो आप सबने सुनी होगी कि हु इज़ प्लान टू फेल इज़ फेल टू प्लान, कि जिसने फेल टू प्लान हो गया, जो बंदा जिसने जो प्लान नहीं कर सकता बंदा, उसने अपने फेलियर को प्लान कर लिया होगा। तो इसी तरह हमें जो है अपनी प्लानिंग को बेस्ट बनाना है, इसको मैनेज करना है। अपनी जब हम प्लानिंग मैनेज करेंगे तो हमारी लाइफ भी मैनेज हो जाएगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।